हेलो बच्चों, इसके पहले हमने अपवर्तन आपको बताया है। इसके पहले वीडियो में आप अपवर्तन पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अवतल गोली परस्पर अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालें। ठीक है, आप गोली दर्पण पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता था कि एक खोखला, एक कांच का गोला होता था। ठीक है, इस प्रकार से खोखला कांच का गोला होता था और आप उस गोले में क्या करते थे, ऐसे इसको कट कर लेते थे। ठीक है, इसको कट कर लिया और यहां पर आप क्या करते थे, पॉलिश करते थे, तो अवतल दर्पण बन जाता था। अब यहां लिखा गोलीय पृष्ठ, तो गोली पृष्ठ में क्या करेंगे, हम खोखला गोला नहीं लेंगे, हम एक ठोस एक कांच का गोला लेंगे, जैसे आइसक्रीम होता है वैसे ले लिया और ऐसे उसको बीच से काट के अलग कर दिया। ठीक है, तो वो बन गया अवतल गोली पृष्ठ। तो उसमें अपवर्तन का सूत्र हम प्रूफ करने जा रहे हैं, उसके लिए अपवर्तन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए करेंगे कैसे, थोड़ा लेंथी प्रूफ है, इम्पोर्टेंट प्रूफ है। गोली अवतल और उत्तल दो में से एक अक्षर बोर्ड में आता है। देखिए, हमने कहा ये गोली पृष्ठ है, इस प्रकार से गोली पृष्ठ है। गोली पृष्ठ का मतलब ये होता है कि हमने इस प्रकार से कांच लिया है, ये पूरा एक कांच लिया है, इसको काट के ऐसे अलग कर दिया। ठीक है, यानी इधर ग्लास है, ठीक है, और इधर एयर भी हो सकती है, कोई माध्यम भी हो सकता है, लेकिन यहां विरल माध्यम। तो हमने इधर का जो अपवर्तनांक माना है वो एन वन है, और इसको हमने माना है कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और इधर का जो अपवर्तनांक है वो एन टू है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है सघन माध्यम। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है जिसको कि हम पोल कहते हैं, ध्रुव, बिल्कुल वही अवतल जो दर्पण है उसी दर्पण को दिमाग में लाइए आप, इसका नाम दे दिया एस पी एस डैश। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है जो कि पी से कितनी दूरी पर है, यू दूरी पर रखी हुई है, दूरी पी से नापी जा रही, ध्यान रखिएगा। अब इसका इमेज बनना है, इमेज बनने के लिए बताया ये गया है कि कम से कम दो प्रकाश किरणें ऐसी आपको मालूम होनी चाहिए जिनके अपवर्तन के बारे में आपको जानकारी हो। तो एक प्रकाश किरण तो सीधे चली गई, जो तो सीधे यहां निकल जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहां गिरी, कोई ये प्रकाश किरण गिरी। ठीक है, अब यहां से अविलंब, यहां पर अविलंब खींचना पड़ेगा, और हमने बताया ना किसी भी गोले में किसी भी अगर अविलंब खींचते हो तो उसके केंद्र से होकर के जाता है, तो ये हो गया इसका अभिलंब, कहां से होकर जाता है, सी से होकर जाता है, इसका नाम दे दो सी ए एम, ये अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो ये कोण यहां से यहां तक लेकर के क्या कोण हो गया, आई, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसमें बहुत सारी रेज बनेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। अब ये किरण इसके अंदर जानी है, तो इसके अंदर जाएगी यानी विरल से सघन में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे, ये ए बी दिशा में झुक गई। ये कोण क्या है, ये आर है, इसको यहां लिख दो, ये कोण आर है, अपवर्तन कोण। अब यहां पर इसको जब पीछे हम बढ़ाते हैं ऐसे यहां पर, तो ये लगता है कहां से निकल रही है, आई पर, तो आई पर आपका इमेज बनता है। ये कोण आर है, देखो ध्यान से, ये वाली रेखा सीधे आपने बढ़ाई है और ये वाली ऐसे बढ़ाई है, तो ये कोण भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे आप मानेंगे, एक माना एस पी एस डैश एक गोली अवतल गोली पृष्ठ है। ठीक है, इसके माध्यम का अपवर्तनांक एन टू है और बाहर सघन विरल माध्यम का अपवर्तनांक एन वन है। उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। बस आपको बहुत डिटेलिंग करनी है, या लिखना चाहो तो आप लिख दो कि ओ से एक रेखा, एक प्रकाश किरण ओए गिरती है जो अभिलंब की ओर एबी दिशा में बढ़ झुक जाती है, और एबी को पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष के बिंदु आई से निकलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब कैसा प्रतिबिंब होगा, रियल तो नहीं है ये, क्योंकि प्रकाश किरण तो इधर जा रही है, तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको प्रूफ करना है, करना क्या है, एन वन एन टू ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है, इसमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपका हमने अल्फा माना, ये बीटा माना है, ये गामा माना है,
और यहां से हमने एक लंब डाल दिया है एम, इसकी लंबाई एच मानी है और एम इज वेरी क्लोज टू पी, हमने मान लिया है एम पी के बहुत नजदीक है, तो जहां पर ओ एम आएगा उसको ओपी लिखेंगे, आई एम आएगा उसको आई पी लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले तो हम स्नेल्स का लगाएंगे, साइन ए पान साइन आर, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आई और आर यहां लटके हुए हैं और हमने ये अल्फा बीटा माना है, अल्फा बीटा बारे में कैसे लिखेंगे कि माना ओ ए आई ए और सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाते हैं, ये गामा है। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे लगाएंगे, सावधान, त्रिभुज ओ ए सी देखिए, त्रिभुज ओ ए सी में ये अल्फा है, ये यहां से यहां तक ये पूरा आपने आई माना है और ये गामा है, ये बहिष्कोण है और जो बहिष्कोण होता है वो दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, तो यहां से आई की वैल्यू क्या निकलेगी, गामा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन वन हो गया। ठीक है, अब ट्रायंगल आई ए सी देखो, त्रिभुज आई ए सी में ये बीटा है, इतना आर आपने मान, देखो आर हम जानबूझ कैसे बना रहे हैं, तो ऐसे बनाओगे तो गामा में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम बना रहे हैं, ये बीटा है, ये आर है, ये गामा है, तो ये बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर टू हो गया। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार अब जरा यहां सावधान हो जाइए, वो कहता है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू वन एंड टू, आपको याद होगा अगर ये वाटर होता ये ग्लास होता तो यहां लिखते डब्ल्यू एन जी और इसकी वैल्यू होती ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, याद करिए पिछले वीडियो में हमने बताया है, यानी कि लाइट एन वन से एन टू में जा रही है तो यहां क्या लिखा जाएगा, एन टू अपान एन, समझाई बात, इसको याद रखना पड़ेगा, लाइट जहां से जहां जाती है तो जहां जाती है उसका अपूर्णांक लिखते हैं अपान, जहां से जाती है उसका लिखते हैं एन टू अपान। ठीक है, अब साइन को गायब करना पड़ेगा, तो हम मानेंगे यदि गोली पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है यह मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो साइन आई अपान आर को आप थोड़ा सा याद करिए, इलेवेंथ क्लास में लिमिट पढ़ाई गई आपको, सीमा सत्ता है वहां पर, वहां बताया गया है कि साइन थीटा अपान थीटा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन होता है, यानी साइन थीटा को केवल आप थीटा ले सकते हैं, तो इस साइन को आप गायब कर सकते हैं, अगर छोटा है तो क्या होगा, आई अपान आर इज इक्वल टू एन टू अपान एन वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जरा हेडिंग का नाम गायब करेंगे, तो लंबा प्रूफ है इसमें, तो एक सेकेंड, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एन वन आई, एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर, अब आई और आर का मान रख दो, तो एन वन आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन टू, आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। अब इसको आगे बढ़िए, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आएगा एन वन गामा, गामा और आर थोड़ा फर्क रखिएगा, माइनस एन वन अल्फा इज इक्वल टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा, गामा को एक तरफ ले आओ, चूंकि देखिए N2 बड़ा है आप जानते हैं सघन माध्यम है, तो आप N2 को इधर मत लेके आओ, N1 को इधर लेके आओ, N2 ये वाला बीटा इधर ले आओ, तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 गामा, ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो, टू साइड बीच में हम भूल गए, देखना देखो बड़ा पड़ा हुआ, जहां पर आर की वैल्यू निकाली वो साइड टू था, अब आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है, जैसे आपने ये साइन में पढ़ा है वैसे आपने टेन में पढ़ा है कि टेन थीटा अपान थीटा वन होता है अगर थीटा बहुत छोटा हो, तो टेन थीटा को केवल थीटा लिखा जा सकता है, यानी अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको यहां चाहे तो आप टेन अल्फा ले सकते हैं, क्यों,
देखो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, एंगल भी जीरो और वैल्यू भी जीरो, यानी कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो आप टेन लिख सकते हैं, यहां ये अगर टेन अल्फा लिखेंगे तो होता है लंबटे आधार, यानी एम अपान ओएम, हमने अभी कहा दूरी कहां से नापनी है, पी से, तो ओएम को आप क्या लिख सकते हैं ओपी, तो हो जाएगा एम अपान ओपी, तो एम तो हो गया एच, ओपी क्या हुआ, देखो दूरी पी से नापनी इधर की तरफ और इधर की दूरियां कैसे होती है माइनस, और पी ओ से दूरी ये क्या है यू, यानी माइनस का यू, अल्फा का मान क्या हो गया एच अपान माइनस यू, बीटा निकालते हैं, बीटा कैसे निकालेंगे टेन बीटा से, कौन सा त्रिभुज लिया होगा आपने आई ए एम, यानी ए एम अपान आई एम, ए एम को क्या लिख सकते हैं एपी, सॉरी एम एम ही रहेगा, आई एम को क्या लिख सकते हैं आईपी, एच हो गया और ये दूरी क्या है वी, यानी माइनस का वी, गामा निकालते हैं, गामा को कैसे लिखेंगे टेन गामा, यानी ए एम अपान सी एम, यानी ए एम अपान सी पी, यानी एच अपान माइनस आर, आपने अल्फा निकाल लिया बीटा निकाल लिया और गामा निकाल लिया, ये सभी वैल्यू उठाइए और समीकरण नंबर तीन में रख दो, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण तीन में रखने पर, देखो ध्यान से, एन टू बीटा की वैल्यू क्या है एच अपान माइनस वी माइनस एन वन, एल्फा क्या है एच अपान माइनस यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, गामा क्या है एच अपान माइनस का आ, अब देखिए ध्यान से, अब एच को तो आप डिवाइड कर दो, एच गायब हो गया, ये क्या हो गया माइनस एन टू अपान वी, ये माइनस माइनस प्लस एन वन अपान यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान माइनस आर, जरा ध्यान से समझिएगा, इस माइनस को हटाने के दो तरीके, या तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, एक तो ये तरीका है, या तो यहां से माइनस का मान ले लूं, लेकिन हम जानते हैं कि ये सघन माध्यम है, एन टू ऑलरेडी बड़ा है तो मैं इसको तो माइनस का मान लूंगा नहीं, अदरवाइज निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर, तो ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है, एक थोड़ा चेंज कर सकते हैं इसमें, एक नोट लिख करके अलग से आप लिख सकते हैं नोट, आप इसको एन वन से डिवाइड कर दो तो एन टू अपान एन वन अपान वी माइनस दोनों हो जाएगा वन अपान यू इज इक्वल टू एन टू अपान एन वन माइनस वन अपान आर, इसको एन मान सकते हैं, यानी आप चाहें तो एन टू अपान एन वन को आप एन मान सकते हैं, मतलब विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे डब्ल्यू एन जी मानते थे, तो ये एन मान सकते हैं एन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपान आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, अगला है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, लगभग लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा, देखिए गोलीय अवतल उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देखिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जरा समझिएगा, पहले डायग्राम समझ लीजिए इसका, ये एक अवतल पृष्ठ है,
यानी जैसे आइसक्रीम कोन लिया हमने, तो अभी हम आइसक्रीम ऐसे निकाल रहे थे, अब ऊपर ऊपर हम ऐसे 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 उस आइसक्रीम को बराबर कर दिए, ठीक है। तो इधर आइसक्रीम भरी हुई है और इधर आपका मुंह है, आइएगा नहीं इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, ना राइटिंग गड़बड़ है हमारी, लेकिन प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये अवतल पृष्ठ है, सॉरी उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। यहां का अपवर्तनांक N1 है, इसको आपने कौन सा माध्यम माना है, विरल। यहां का N2 है, इसको आपने कौन सा माना है, सघन, ठीक है। ये आपका पोल है, ध्रुव है, ये SPS- इसका नाम दिया है। यहां पर एक बिंदु वस्तु है, यहां से एक प्रकाश किरण गिरी, जरा डायग्राम ध्यान से समझिएगा, ये टेक्निकल है, ये प्रकाश किरण गिरी। अब यहां अभिलंब खींचना है, तो ये अभिलंब हम क्या करेंगे, कहां से ऊपर जाएगा, केंद्र से ऊपर जाएगा, ये सी से ऊपर जाता है, ठीक है। और ये कोण क्या है, आई, ठीक। अब जरा समझिएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुकी, ए बी दिशा में, ये आर हो गया। अब यहां दो डायग्राम बनते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको आगे बढ़ा के यहां मिला दीजिए तब भी उसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप चाहें तो इसको पीछे बढ़ा करके यहां बना दीजिए, तभी इमेज बन जाएगा। होता क्या है कि जब बुक में इसको यहां मिला के बनाते हैं तो टीचर कहेगा देखो भाई डायग्राम गलत है, मैं सही सही बता रहा हूं, इसको थोड़ा ऐसे मत चेंज करो, हल्का सा चेंज करिए, हल्का सा टिल्ट करिए ऐसे ए बी दिशा में, और इसको पीछे बढ़ाने पर यहां पर इमेज बनती है आई, ठीक है। अब डायग्राम किताब में ऐसे बना हुआ है, हमने कहा भाई ये गलत है और मैं सही सही बता रहा हूं, हमने इसको यहां मिला दिया, दोनों डायग्राम सही है, ध्यान रखिएगा, यहां मिलाते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनती है, आवासी है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में लाइट नहीं मिल रही है, लाइट तो इधर मुड़ गई है, यहां आके मिलेगी, यहां वास्तविक बनेगा। तो दोनों डायग्राम सही है, किसी बुक में कुछ बना हो तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखो ये आपकी अपवर्तित किरण पीछे खींची है, ये कोण हो जाएगा आर, यहां से पूरा कितना है आई, ठीक है। तो यहां पर इमेज आपकी बनती है, तो डायग्राम के बारे में लिख लेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे AM और इसकी लंबाई H मानेंगे, OA अल्फा कोण बनाता है, ये बीटा बनाता है, ये गामा बनाता है, डायग्राम लगभग लगभग वही है। ये वस्तु की दूरी है U, ये प्रतिबिंब की दूरी है V, और ये वक्रता त्रिज्या इधर आएगी R, ये ध्यान रखिए त्रिज्या इधर होगी, तो गोला ऐसे कहीं बनेगा जब, ठीक है। तो इसके बारे में लिखें कैसे, कि माना SPS- एक अवतल पृष्ठ है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, इतने पर्याप्त है। या लिखना चाहो तो ओ से एक प्रकाश किरण ओए गिरती है जो अवलंब की ओर ए बी दिशा में झुक जाती है, ये कोण आर आपने माना है, और इसको पीछे बढ़ाने पर ये आई से निकलती हुई प्रतीत होती है, अतः इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आई पर बनता है, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। माना OA, IA और CA मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं, A से एक लंब डाला AM और इसको हमने माना H, ठीक है। तो सबसे पहले तो I और R की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखी, जरा देखिए ये पूरा कोण I है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा लीजिए आप, त्रिभुज ले लीजिए आप AOC, त्रिभुज AOC में ये अल्फा है, ये गामा है और ये रेखा आगे बढ़ाई गई है, तो ये बहिष्कोण है, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर। इसको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कि बहिष्कोण अंतःकोण के बराबर होते, वो छोटे क्लास की बात है, इसलिए आप लिख सकते हो। वो अलग की बात है कि आप लोगों को भी ना आता हो, बोले हम बड़े जरूर हो गए, लेकिन ठीक है आप मान लो बड़े हो गए हो, ये डाइट कर दीजिए। अब स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम से क्या नियम कहता है, नियम से साइन आर साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू N2 अपान N1। आर को ऐसे बनाइए, लाइट N1 से N2 में जा रही है, फिर वही करेंगे कि माना कि इसका द्वारक छोटा है, इसका द्वारक छोटा है,
तो छोटा है तो कोण बहुत छोटे हो जाते हैं, और कोण छोटे हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो साइन आई को साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये मान लिया जाता है कि साइन आप हटा दीजिए, आई अपान आर इज इक्वल टू एन टू अपान एन वन, या एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर। अब यहां पर आई और आर का मान रख दीजिए, आई एंड आर का मान रखने पर देखिए एन वन आई की वैल्यू क्या है, यहां पर अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एन टू, आर क्या है बीटा प्लस गामा। अब इसको आप कैलकुलेट करें, देख एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा इज इक्वल टू एन टू बीटा प्लस एन टू गामा, क्योंकि एन टू सघन माध्यम है, एन टू पॉजिटिव होना चाहिए, वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं इस गामा को उधर शिफ्ट करूंगा तो उधर आ जाएगा एन टू माइनस एन वन गामा, और इधर क्या होगा एन वन एल्फा माइनस एन टू बीटा। ये समीकरण नंबर तीन आ गया, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अल्फा बराबर क्या होगा, हमने अभी बताया है कि टेन अल्फा लगा दीजिए। देखिए जरा ये त्रिभुज दिख रहा आपको ओ ए एम, तो इसको लिखेंगे ए एम अपान ओ एम, तो टेन अल्फा क्या निकलेगा ए एम अपान ओ एम, क्योंकि दूरी कहां से नापनी है पी से, एम को बहुत पी के नजदीक मानते हैं, तो यह आएगा ए एम अपान ओपी। अब आप कहेंगे इसको एपी क्यों नहीं लिखा, देखो अगर ये एपी भी लिखोगे तो हाइट उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये ए एम हो गया एच और ओपी हो गया माइनस यू, क्योंकि दूरी इधर आप नाप रहे हैं। बीटा कैसे निकालेंगे, टेन बीटा कैसे निकलेगा, आई एम अपान ए एम अपान आई एम, ए एम अपान आई एम, ए एम अपान आई एम क्या होगा आईपी, एच अपान माइनस बी, क्योंकि यहां पर जो प्रतिबिंब है वो इधर ही बन रहा है, ठीक है। और गामा कैसे निकलेगा, टेन गामा ये इधर से आएगा, सी एम अपान सी ए एम अपान सी एम, ए एम अपान सी एम, ए एम अपान सी पी, एच अपान, अब ये प्लस में आ रहा है क्योंकि यहां पर दूरी ऐसे रखी जा रही है, अल्फा बीटा गामा निकला है। अब इसको उठाइए और ये मान समीकरण नंबर एक में रख दीजिए, तीन में रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा समीकरण तीन में रखने पर, रखिए यहां पर देखिए जरा, यह आएगा एन वन अल्फा, अल्फा क्या निकला है एच अपान माइनस यू, एच अपान माइनस यू माइनस एन टू, बीटा क्या निकला है एच अपान माइनस वी, एच अपान माइनस वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन और एच अपान प्लस का आर। तो पहले तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एन वन अपान यू प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन टू अपान वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर। अब यहां पर चूंकि माइनस की जरूरत कम लेने की नहीं है, क्योंकि एन टू सघन माध्यम का अपूर्णांक का जो ऑलरेडी ज्यादा होता है, और एन टू यहां पॉजिटिव आ गया है, ये प्रूफ क्या आया एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर, प्रूफ वही होगा जो उत्तर पृष्ठ के लिए था और अवतल पृष्ठ के लिए सेम आएगा, ठीक है। अब यहां आप चाहें तो एन वन से इसको डिवाइड कर दो, तो आएगा एन टू अपान एन वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन टू अपान एन वन माइनस वन अपान आर, इसको एन मान सकते हैं, एन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपान आर। यहां लिख देंगे कि जहां एन जो है वो एन टू अपान एन वन। तो इस प्रकार से दो प्रूफ हुए, इसके बाद लेंस के बारे में बात करेंगे। ओके थैंक यू।